Hey guys, welcome back to my channel. So I am back today with another diet. आज है डे सिक्स की डाइट का. आई होप आप ये डाइट फॉलो कर रहे हैं. दिस इज अ 10 डे चैलेंज. मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ, प्लीज अपनी डाइट को फॉलो कीजिए. सो आज जो डे सिक्स की डाइट है उसमें है आपकी, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो फॉर द ब्रेकफास्ट यू हैव 2 पीस इडली विद कोकोनट चटनी एंड सम टी. एंड फॉर द वंस हैविंग एग्स, 2 to 4 बॉइल्ड एग्स, राइट. तो आपने लेनी है 2 पीस इडली विद सम चटनी, राइट. देन वी हैव मिड डे मील. मिड डे मील में आप लेंगे 2 कीनूज. आज आप लाइक कल आप लेंगे 2 कीनूज. और लाइक येस्टरडे आई टोल्ड यू कि आपने ब्लैक चना को सोक करना है, उसका चना सूप आपने इंटेक किया था. सो टुडे जो आपने स्टोर किए थे चने अपने लिए, आपने दोपहर को उसकी सब्जी बनानी है विद 50 ग्राम्स ऑफ राइस एंड इनटेक करना है. चना राइस आपने लेने हैं विद सम सैलेड. फॉर द नॉन वेजिटेरियंस हैव 100 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड चिकन अलॉन्ग विद इट इफ यू वांट हैव. ऑलराइट, देन फॉर द इवनिंग अ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड मखानाज, आप रोस्टेड मखानाज खाएंगे. एंड फॉर द डिनर, डिनर में आप क्या करेंगे, आप रोस्टेड मशरूम लेंगे या फिर रोस्टेड पनीर लेंगे 100 ग्राम्स, राइट. इधर पनीर और मशरूम उनको रोस्ट करके टॉस करके खाइए. अलॉन्ग विद दैट टेक अ प्लेट ऑफ सैलड, मेक इट अ फ्रूट सैलड, यू नो, हाफ बनाना हाफ एप्पल, अ फ्यू ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज एंड कीनू. एंड कीनू आप प्रेफर करना चाहें इफ यू वॉन्ट, अगर रात को अगर आप स्किप करना चाहें तो इट्स ओके. देन सम papaya and pineapple, make it a good bowl of fruit salad and have along with your paneer or mushroom, right. And for the vegetarians or non-vegetarians, have 2 to 4 egg white omelet or 100 grams of roasted chicken. All right, this is your day 6 ki diet. अभी देयर 4 डेज आर लेफ्ट. आई होप आपको कुछ चेंजेस अपने अंदर नजर आ रहे होंगे, पर प्लीज वेट या इंचेस अभी चेक मत कीजिए. ऑलराइट, लेट्स चेक इट एट द एंड ऑफ द यू नो डाइट, मेक इट अ सस्पेंस फॉर यू. ऑलराइट, सो मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि आपको मेरी डाइट कैसी लग रही है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं. एंड इफ देयर इज अ चेंज, यू फील एनी चेंज, आप प्लीज अभी चेक मत कीजिए, चेक हम एंड में करेंगे, राइट. अभी आप अगर आपको कुछ फील आ रहा है, आपको कुछ चेंजेस अपने अंदर नजर आ रहे हैं, तो प्लीज कमेंट देम डाउन. एंड प्लीज 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 शेयर माई चैनल एंड डू कमेंट डाउन आपको मेरा चैनल, मेरी जो ये डाइट है, जो मेरा ये प्रोसेस है, जो 10 डे चैलेंज है, आपको कैसा लग रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज डे 7 ऑफ द डाइट. आज हम डे 7 की डाइट डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ऑलराइट, सो फॉर द ब्रेकफास्ट आपके पास है 1 बेसन चिल्ला विद सम ग्रीन चटनी. ऑलराइट, बेसन का एक चिल्ला आप लेंगे, उसके साथ ग्रीन चटनी. सो दिस इज फॉर योर ब्रेकफास्ट. देन फॉर द मिड डे मील में आप लेंगे 1 एप्पल. All right, after having 1 apple, आप लंच में लेंगे वेज सूप. वेज सूप में प्रेफर कीजिए यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजीज इन योर सूप. प्रिपेयर योर सूप इन सच अ वे कि आपका जो बाउल है वो वेजीज से फुल हो चुका हो. सो हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वेजीज इन योर सूप. सो वेज सूप फॉर द लंच. देन फॉर द इवनिंग यू विल हैव रोस्टेड ब्लैक चना, भुने हुए जो चने हम जिन्हें बोलते हैं, आप हैंडफुल ऑफ वो लेंगे. देन यू विल हैव योर डिनर. डिनर में आप खिलेंगे मसूर की दाल, बॉइल्ड मसूर की दाल, अ बाउल ऑफ बॉइल्ड मसूर दाल, अलॉन्ग विद इट अ प्लेट ऑफ सैलड. दिस इज फॉर योर डाइट फॉर द डे 7. सो दोज हू वॉचिंग माई चैनल, वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज नो दिस इज अ 10 डे वेट लॉस चैलेंज. सो प्लीज 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 फॉलो दिस अप. एंड दिस इज द डे 7 डाइट. आई होप ये डाइट आप फॉलो कर रहे हैं. एंड प्लीज कमेंट डाउन आपको मेरी डाइट कैसी लग रही है. डिड यू फॉलो द डाइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स कि आपने मिड में शुरू की है. प्लीज 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 कमेंट इट डाउन. एंड हम 10th डे पे अपना जो वेट है, जो इंचेस है, वो नोट करेंगे. एंड देन आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. ऑलराइट, सो दिस इज डे 8 ऑफ द डाइट. आई एम बैक विद द डाइट. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स डिस्कस डे 8 की डाइट का. So in breakfast, what are you going to have in your breakfast? 1 raw tomato and cucumber in your breakfast, along with it full fat coffee or full fat cream coffee लेंगे आप 1 tomato और 1 cucumber के साथ में. And for the vegetarians, have 2 to 4 boiled eggs or 2 to 4 egg white का omelet, right? So this is done for your breakfast. For your pre-workout, black coffee as always. And for your post-workout, you will have 1 quinoa, right? 1 quinoa for your post-workout. So, what's there for the lunch today? All right then. Aap aaj lunch pe lenge veg soup. The one you had on your earlier diet, another day's diet. Aapne aaj bhi veg soup hi lena hai with lots of veggies in it. Green veggies in it. Mushroom, capsicum, then broccoli, then your carrot, then your cabbage, cauliflower, tomato, ginger. All right. Make a good bowl of your veggies and have your veg soup in your lunch.
Then in your evening, you will have a cup of green tea, right? And again, in your dinner today, you have veg soup. So you have veg soup twice today in your lunch and your dinner. All right, this is your day 8 ki diet, in which you have to have your veg soup in your dinner and your lunch, right? Both the timings. All right, so this is your day 8 ki diet. I hope you will follow my diet. And then two more diets are left, day 9 and day 10. Then hum apna weight note karenge. So I am back with another day of diet. Aaj hai day 9 ki diet ka. So second last day of the diet. So guys, I hope aapko meri diet interesting lag rahi hai na. It is easy for you to follow. Alright, so let's get started. For the breakfast, you will take 50 grams of peanut and make a salad out of it. So 50 grams of peanut salad. Only 50 grams of peanut. Uski quantity 50 grams nahi hai, sirf peanut ki quantity 50 grams hai. Okay, make a salad out of it. Then 1 spoon of peanut butter along with it, right? Then pre-workout mein aap lenge black coffee and post-workout mein aap lenge lukewarm lemon water without honey, without sugar. Alright, lukewarm lemon water without honey, without sugar, right? Then for the lunch, aap lunch mein lenge a bowl of curd with chopped onion, tomato, capsicum and cucumber in it. Make a salad of curd, make a salad and put it in your bowl of curd. Alright, curd salad along with it. You will take some 5 nuts of roasted nuts. Alright, any 5 nuts. Alright, so a bowl of curd salad with some nuts along with, right? Then in evening, you will have green tea. A cup of green tea in your evening. Then for dinner. Dinner mein aapne kya lena hai? Full fat cream hoti hai jo. Make a fruit cream out of it or saute your veggies in it. Take 50 grams of full cream and saute your veggies in it. Either or have a half banana, half apple, strawberries, papaya, pineapple and grapes and make a fruit cream out of it. Make in your cream either veggies or fruits in your cream and have that in your dinner. Alright. So this is for your day 9's diet. I hope aapko achhi lage meri diet. Please comment down aapko 10 days ka challenge kaisa lag raha hai. And please subscribe my channel. So I am back with today's diet. Today's day 10's diet. Kal aapka last day hai diet ka. 10 days ka jo challenge hai. We are finishing it off. We are ending it up. Maine poore 10 din ki jo clothes hain wo back to back ki hain. So that aapko regular meri diets follow up milta rahe. So this is the last day of diet. Uske baad aap apna weights aur apne inches please check kariye. And I hope कि आपको अच्छा लगा हो मेरी जो डाइट है वो फॉलो करके. I am very sure कि आपके वेट में या इंचेस में डेफिनेटली एक चेंज आया होगा. As I always say कि it is not necessary कि आपका वेट और इंचेस दोनों हैंड इन हैंड जाएंगे. किसी का वेट जाता है किसी की इंचेस जाते हैं पहले. So please don't worry about it. Alright, so I am sure कि कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली आएगा either in your weight or your inches. So please ये लास्ट डे की डाइट फॉलो कीजिए. उससे पहले गो फॉर द चेक योर वेट्स एंड योर इंचेस. आप आज एक काम कर सकते हैं, कल आपकी लास्ट डे है डाइट का. सो इन द मॉर्निंग टुमारो जो आप 10th डे की डाइट अपनी शुरू करेंगे अलॉन्ग विद इट, कल मॉर्निंग में आप अपने वेट्स और इंचेस दोनों चेक करेंगे. एंड आई होप कि आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, आपको चेंजेस आए आपकी इंचेस में या आपके वेट में, आपको ये चैलेंज अच्छा लगा या नहीं. एंड प्लीज अगर आपको ये चैलेंज अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन कीजिए. आपको अगर ऐसे और चैलेंजेस चाहिए और किस टाइप की आपको डाइट चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट, प्लीज कमेंट मी डाउन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. ऑल राइट, एंड प्लीज शेयर माई चैनल मैक्सिमम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ऑल राइट गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको 10th डे की डाइट बताती हूँ. दैट इज 1 एप्पल 1 ऑरेंज राइट विथ सम टी अलॉन्ग विद इट. आपने एक एप्पल और एक ऑरेंज ले लेना है. देन उसके बाद आप टी लेंगे, राइट? उसके बाद आप अपना वेट चेक कर लीजिएगा, अपने इंचेस चेक कर लीजिएगा, राइट? देन फॉर द प्री वर्कआउट यू हैव ब्लैक कॉफी. देन फॉर द पोस्ट वर्कआउट यू हैव लाइम जूस, राइट? देन फॉर द लंच, लेट्स गो फॉर द लंच, यू विल हैव लेडी फिंगर विद सम सैलड, अ स्मॉल बाउल ऑफ लेडी फिंगर अलॉन्ग विद सम सैलड विद इट, राइट? देन लेट्स गो फॉर द इवनिंग, राइट? इवनिंग में आप लेंगे ग्रीन टी. एंड देन फॉर द डिनर, डिनर में आप लेंगे बाउल ऑफ बॉइल दाल राइस विद सम सैलड अलॉन्ग विद इट, राइट? ये आप सारा प्रोसेस करेंगे. आप अपना वेट में इंचेस और अपना जो वेट है वो चेक कर चुके होंगे मॉर्निंग में, राइट? उसके बाद आप दोपहर को लंच लेंगे. एंड देन रात को टू सेटल डाउन यू बैक विद योर डाइट, आप बाउल ऑफ बॉइल्ड दाल राइस लेंगे विद सम सैलड, राइट? एंड आई होप आपको मेरा ये चैलेंज अच्छा लगा हो. प्लीज थम्स अप एंड प्लीज लाइक माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.